जो किसान आंदोलन के रास्ते बंद थे, चाहे बहादुरगढ़ का रास्ता बंद था, चाहे गुड़गांव से, चाहे अपना सोनीपत से, और जितने रास्ते, उन सबसे बड़ी परेशानी ट्रांसपोर्ट महकमे थी, या प्राइवेट वाहन हो या सरकारी हो, इनके किसानों के आंदोलन के वापस होने के बाद, और जो परिवहन विभाग को सबसे बड़ी परेशानी किलोमीटर घूमना और लंबा सफर तय करके दिल्ली पहुंचते थे, अब जितने व्हीकल हैं आसानी से दिल्ली पहुंचेंगे, समय बचेगा, किलोमीटर बचेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल हम, ज़्यादा से ज़्यादा जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से आवागमन हो, उनकी शुरुआत करूँगा। बेड़े में 3200 बस हैं, बाकी हमारी 500 कुछ किलोमीटर स्कीम की बस है, कुछ परमिट बस है, और आने जो और हमारी 809 बस नहीं आ रही है, जितनी बसों की जरूरत पड़ेगी उतनी बस हम चलाएंगे। टोल प्लाजा जो है वो अब शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाया जाए कि टोल प्लाजा का टैक्स बढ़ेगा या बसेस के किराए बढ़ेंगे, ऐसे कुछ कयास जो है वो सामने आ रहे हैं? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं पता, इसका क्या क्राइटेरिया रखेंगे, कितना बढ़ाना कितना घटाना है जी, ये तो जानकारी उनसे ज्यादा जानकारी लगे, क्या पैसे रखेंगे, कितना हिसाब रहेगा, वो जानकारी। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, विपक्ष जो है वो भर्ती फर्जीवाड़े मामले को बहुत मुख्य रूप से उठाने वाला है, तो किस तरीके से डील किया जाएगा इसे? ये विपक्ष को अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, विपक्ष अपनी बात रख सकता है, और लोग उम्मीद भी करते हैं विपक्ष अपनी बात रखे, पर सच्चाई कुछ सच्चाई है नहीं, जिन तथ्यों में जिनकी बात है वो तथ्य रखे जाए जिनमें सच्चाई हो। सर, ओमिक्रॉन के मामले भी सामने आ चुके हैं, चंडीगढ़ में भी मामला सामने आ चुका है, तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ प्रबंध जो है वो रोडवेज विभाग में किए जाएं? मैं अपना ये कहना है कि जो रोडवेज जो महकमा है, जो कोरोना की अपनी जो गाइडलाइंस, उस पर ध्यान केंद्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, और अपना खुद लोग खुद अपनी तैयारी करें, इससे बचना तो या प्राइवेट बस में चलें या सरकारी में चलें, अपनी गाड़ी में चलें या कहीं भी सफर करें, इसकी सुरक्षा खुद स्वयं करनी है। भाई अपना सैनिटाइज है, दूरी बना के रखें, घर से बाहर कम निकलें, तो ये सारी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। सरकार अपना कर्तव्य करेगी, पर दूसरे लोगों का दायित्व है वो अपनी भूमिका निभाएं और भूमिका के साथ दूसरे को बचाव में उसमें जाए। सर्व कर्मचारी संघ के नेता आज बाकायदा जो है वो प्रधान सचिव से मिलने आए हैं, बैठक हो रही है, तो उनकी जो मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो बहुत सी मांगे रोडवेज विभाग से भी जुड़ी हुई है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसे बहुत से हैं जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस पेंड है, सरकार की कोई पॉलिसी है नहीं कच्चों को पक्का करना, ये कोई पॉलिसी नहीं है सरकार की, कोई डायरेक्शन कोर्ट में केस है, कोई आदमी कर नहीं सकता भाई इसकी पॉलिसी, जब तक डायरेक्शन ना हो कोर्ट की, ना हो कोई पॉलिसी तैयार नहीं किया, तब तक हो नहीं सकता। कर्मचारी अपनी बात रखी है, कोई जायज होगी बात उसको रखें, अगर कोई होने वाली बात है, कोई है, कोई तरीका है उसका, उसे रखें। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी रूमर्स जो है वो सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ अभी तक की अपडेट? मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, अपने मंत्री कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, कभी दे सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और कभी भी कर सकते हैं।